हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस PBL के बारे में बताऊंगा। जो हम कोई भी जीन एक्सप्रेशन स्टडी कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस के थ्रू। जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस बेसिकली डेटाबेस है जिसमें एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स का डेटा अवेलेबल होता है, मोस्टली NCBI डेटा सेट्स डेटाबेस के थ्रू, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म स्टडीज इसमें होती हैं, डिफरेंट सैम्पल्स और सीरीज़ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट सीरीज़ और डिफरेंट सैम्पल्स को ऑर्गेनाइज करके एक डेटा सेट बनाते हैं जो इसी डेटाबेस के ऊपर पड़े होते हैं। इसलिए हम किसी भी स्टडी को कंपैरिजन स्टडी के लिए, एक्सप्रेशन प्रोफाइल के कंपैरिजन के लिए हम जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा करंट PBL है इसमें हमने एक जीन एक्सप्रेशन स्टडी की है यूजिंग माउस एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म मेलानोमा के लिए। एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को हमने चूज़ किया, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेलानोमा और मेलानोमा एज ए माउस एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी स्टडीज़ अवेलेबल होंगी, तो इसलिए हमने रिजल्ट्स को स्पेसिफिक करने के लिए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चूज़ किया। हमारा जो डेटा होगा उसको हम सर्च कैसे करेंगे जियो के थ्रू, सबसे पहले हम जाएंगे NCBI जियो डेटाबेस डेटा सेट्स में, उसमें हम एडवांस सर्च में जाएंगे। एडवांस सर्च में हम ऑर्गेनिज्म सर्च करेंगे। हम ऑर्गेनिज्म सर्च करेंगे माउस, ऑर्गेनिज्म हमारा होगा माउस। हमारा जो एक्सेशन नंबर है वो हमारा है GPL, वो हमारा है GPL 1261 GPL 1261, और थर्ड जो हमारा है वो हमारी कंडीशन है, कैंसर कंडीशन जो हम हमारा टारगेट है वो हम स्टडी करेंगे। इसमें हम ऑल फिडीज के डालेंगे क्योंकि स्पेसिफिक डिजीज़ कंडीशन के लिए इस डेटाबेस में ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक्सेशन नंबर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट स्टडीज़ के लिए, तो इसलिए हम मेलानोमा जो है वो सर्च करेंगे। अभी जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट जो स्टडीज़ हैं वो यूजिंग माउस मॉडल इन मेलानोमा, यूजिंग माउस इन माउस में जो मेलानोमा स्टडीज़ हैं वो इसी प्लेटफॉर्म ने जो स्टडीज़ की हैं। प्लेटफॉर्म का एक्चुअली मतलब है जो सबमिटर डेटा का जो सप्लायर होता है, मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है, जिस तरह एफीमेट्रिक्स डेटा हो सकता है, एफीमेट्रिक्स कंपनी का उसका अपना प्लेटफॉर्म है। ये मोस्टली जो हमारी स्टडी है एफीमेट्रिक्स का है जो मेलानोमा में है माउस में। हमने डेटा सेट्स की तरफ जाना है क्योंकि हमने उसका डेटा ओवरऑल देखना है। हम अगर किसी स्पेसिफिक में जाएंगे तो इसके थ्रू जाएंगे, तो ये तो कंप्लीट स्टडी है, तो हम डेटा सेट्स की तरफ जाएंगे। अब डेटा सेट्स में हम हमारे जो फोकस है वो है मेलानो ट्रांसफरिन इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन, इस पे हमने क्लिक कर लिया है। अच्छा, मेलानो ट्रांसफरिन इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा सेट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा इसी स्पेसिफिक क्वेरी को लेके। ये इसका टाइटल है, हमारी जो स्टडी है ये इसकी डिटेल्स, ऑर्गेनिज्म डिटेल्स वगैरह, GPL जो इसका प्लेटफॉर्म है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड की तरफ जाएगा और इसी प्लेटफॉर्म में इसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड डेटा होगा। लेट्स जस्ट क्विक गो थ्रू इट। तो इसमें ये जिसे मैंने बताया था मैन्युफैक्चरर इसका IP मैट्रिक्स है, तो बाकी इसकी डिटेल्स होती हैं कौन सा प्रोब यूज़ किया है, किस तरीके से स्टडी इन्होंने की है, कौन से इन लोगों ने इसके प्लेटफॉर्म जो हैं वो अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं इसके, कितने इसमें सीरीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसमें बहुत सारे सीरीज़ हैं और हमारा जो स्पेसिफिक सीरीज़ है वो यहीं कहीं होगा, मेलानो ट्रांसफरिन इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन, जो हम यहाँ से डायरेक्टली इसको क्लिक करके 4523 जो हमारा सीरीज़ है वो ये है, 4523 वो इधर होगा मेलानो ट्रांसफरिन इफेक्ट। अच्छा, इसमें हम फर्दर जो है वो यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस क्वेरी के सैंपल सबसेट को देखना है कि कितने सैंपल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें 6 सैंपल्स इस स्टडी में इन्वॉल्व हैं, 2 वाइल्ड टाइप्स हैं और 4 जो हैं वो नॉकआउट जो हैं वो टाइप्स हैं, ठीक है। इसके बाद डेटा एनालिसिस टूल्स हैं, सैंपल्स की डिटेल्स, हम सैंपल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सैंपल का एक्सेशन नंबर है, सैंपल की डिटेल ओपन होंगी कि ये सैंपल जो है किस टाइप का सैंपल है, कहाँ से किस टाइप की स्टडी के थ्रू आया है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि जीन चिप स्कैनर डेटा प्रोसेसिंग जीन चिप स्कैनर के थ्रू किए, एफीमेट्रिक्स प्रोटोकॉल यूज़ किए RNA एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इसी तरह सैंपल का डिटेल है, ये सैंपल की हाइब्रिडाइजेशन वैल्यूज़ हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्कोर है डिफरेंट, और ये उसका एफीमेट्रिक्स डेटा है, प्रेजेंट और एब्सेंस कॉल जो होते हैं, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है या एब्सेंस है। फॉर एग्जांपल अगर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पे ए आया होगा कि यहाँ जो है वो हाइब्रिडाइजेशन एब्सेंट है, और आप देख सकते हैं कि इसका रिलेटिव स्कोर भी जो है वो यहाँ का वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। तो ये इस जीन में, इस स्पेसिफिक सैंपल में जितने भी हाइब्रिडाइजेशन सिग्नल्स हैं ये उसका डेटा है। ये फर्दर हम किसी भी टूल्स
एनालिसिस टूल्स में हम इसको हम डाउनलोड करके उसमें हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको स्टडी कर सकते हैं। इस तरह ईच सैंपल को हम स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद इसके एक्सप्रेशन प्रोफाइल में अगर हम जाएंगे तो जितने भी इसमें जीन्स इन्वॉल्व हैं वो जीन का एक्सप्रेशन प्रोफाइल, इस स्टडी में जितने भी जीन इन्वॉल्व है उसका एक्सप्रेशन प्रोफाइल का एक ग्राफ हमें दिया गया होगा, ठीक है। ये इसका अनोटेशन है, जीन की अनोटेशन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इस जीन की अनोटेशन क्या है, इसकी आईडी वगैरह, ऑर्गेनिजम्स क्या है, रिपोर्टर आईडी, रिपोर्टर वही प्लेटफॉर्म आईडी है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये आया है इस डेटा सेट में, इस जीडीएस डेटाबेस में। ये डेटा सेट आईडी है इसकी, हमने जो सर्च किया है स्टार्ट में वो अगर हमारे पास ये डेटा सेट आईडी हो तो हम डायरेक्टली इसमें आ सकते हैं। इसमें नीचे जो है ये जीन डिटेल्स हैं, जियो डेटा सेट्स, ये आईडी है, और प्रोफाइल नेबर्स की तरफ एक के लिए एक लिंक दिया गया है। प्रोफाइल नेबर्स का मतलब यूजली 200 जो इसके क्लोजली रिलेटेड नेबर्स होते हैं जिनका एक्सप्रेशन प्रोफाइल नियरली सेम होता है इस जीन के इस इफेक्ट में, इस स्टडी में, तो वो उसके प्रोफाइल नेबर्स होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम नेबर्स वही होंगे जो इस जीन के राइट और लेफ्ट साइड पे जो क्रोमोसोम क्लोजली रिलेटेड जीन्स होंगे वो इसके क्रोमोसोम नेबर होंगे, और इसके राइट और लेफ्ट पे इस जीन के माउस में, इसी ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जाम्पल इसी स्टडी में। और होमोलोजीन जो है वो होमोलॉग बेस्ड नेबर्स होंगे, ठीक है। इसके अब अगर हम इसके ग्राफ को फर्दर एनालाइज करेंगे तो इस ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ग्राफ शो करेगा इसका, इसी जीन का, इसी जीन का, इसी सैंपल्स में जो हमारे 6 सैंपल है, इस सैंपल में हर सैंपल में इस जीन की एक्सप्रेशन क्या है। जो ग्राफ का लेफ्ट साइड है ये स्कोर शो करता है एक्सप्रेशन स्ट्रेंथ स्कोर्स, जिनको स्टडी वाइज जो डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा, ये जो रेड बार्स हैं ये एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं इसी सैंपल में, इस जीन का एक्सप्रेशन जो है ये अराउंड इतना है, और इसका स्ट्रेंथ, एक्सप्रेशन स्ट्रेंथ ये, और इसका स्कोर है स्पेसिफिक स्कोर जो चेंज हो सकता है कोई भी। जो लेफ्ट राइट साइड पे जो स्कोर है 0 to 100 ये परसेंटाइल स्कोर है, और ये इसको शो करते हैं जो ब्लू बॉक्स हैं रैंक्स, ठीक है। रैंक्स जो है वो डिफरेंट ऑर्डर स्कोर है परसेंटाइल, जो हाइब्रिडाइजेशन स्कोर, हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके सिग्नल को शो करता है उस परसेंटाइल स्कोर को, ठीक है, कि इसका इसकी एक्सप्रेशन जो है ये कहाँ पे लाई करती है इसी सैंपल में, इस जीन की एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये इसका परसेंटाइल स्कोर है। जिस जो ग्रे डॉट हैं ये रिप्रेजेंट करती है वैल्यूज़ जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, या हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं है, या हमें फॉल्स सिग्नल मिला है, फॉर एग्जांपल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का, तो उसकी हमें ये ग्रे बॉक्स ये जो है स्कोर रिप्रेजेंट करता है। जो बाकी बॉक्सेस हैं ये भी डिटेक्शन कॉल एब्सेंट, मतलब ये भी हाइब्रिडाइजेशन स्कोर शो करते हैं, लेकिन यहाँ इसकी एक्सप्रेशन भी शो हुई है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन स्कोर हैं, और ये सिर्फ सिग्नल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के डिटेक्शन है या नहीं है, ये जो बॉक्सेस हैं। अच्छा, ये सैंपल डेटा है हमारा, इसी तरह पहले जो हम सैंपल की तरफ जाते हैं तो इस लिंक से भी हम सैंपल की तरफ जा सकते हैं। इसमें फर्दर है डेटा एनालिसिस टूल्स हैं। अब अगर हम डेटा एनालिसिस टूल्स की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हम क्लोजली रिलेटेड जीन्स एंड दिस डेटा सेट, इसी डेटा सेट में अगर हम फॉर एग्जांपल कोई जीन स्टडी करना चाहते हैं कि ये जीन इसी डेटा सेट में है या नहीं है, जैसे हमारे पीबीएल में है कि ये जीन जो है टू व्यू, ये तो हमने देख लिया है, सैंपल सबसेट भी और एक्सप्रेशन प्रोफाइल भी देख लिए, और ये जीन जो है हमने ऑप्टेन कंपेयर सैंपल्स, तो ये हमने देखना है कि इस डेटा सेट में अवेलेबल है या नहीं है। तो इसको देखने का इजी तरीका है कि हम इसमें जीन नेम सर्च करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो ये इधर हमारे पास अगर ये जीन अवेलेबल हो तो आएगा, इस जीन के जितने भी स्टडीज़ हैं इसी प्लेटफॉर्म में वो अवेलेबल हैं। अगर हम अप डाउन जीन्स तो ये कलेक्शन इसका सेट का आ जाएगा अगर इस पर हम क्लिक करेंगे, इसी का डिफरेंट एक्सप्रेशन प्रोफाइल है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह हमारे पास ग्राफ आ गया है, और ये वही ये जो रेड बार्स हैं उस ये वाइल्ड टाइप इसी सैंपल में ये एक्सप्रेशंस इसी जीन के एक्सप्रेशन को शो करते हैं, और जो ब्लू बॉक्सेस हैं ये रैंक स्कोर को शो कर रहे हैं, जो परसेंटाइल स्कोर है इसको हम बिन्स भी कह सकते हैं इसी में विद इन द जीन, कि इसी सैंपल में इस जीन की एक्सप्रेशन कहाँ लाई करती है, ठीक है। तो ये इसको शो कर रहे हैं, मतलब इसकी एक्सप्रेशन हाइब्रिडाइजेशन सिग्नल जो है इसी जीन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जितना हाई स्कोर होगा टुवर्ड्स परसेंटाइल बिन जितना हाई होगा उसकी उतनी ज़्यादा रैंक हाई होगी, तो मतलब एक्सप्रेशन ज़्यादा होगी। अगर ग्रे बॉक्सेस इसमें नहीं है क्योंकि कोई फॉल्स सिग्नल हाइब्रिडाइजेशन इसी जीन के हमें नहीं मिले हैं इसी सैंपल स्टडी में, टोटल 6 सैंपल काउंट से हमारे पास इसी सीरीज़ में, और ये 6 सैंपल जो हैं ये एक स्पेसिफिक सीरीज़ बनाते हैं इस डेटा सेट में बनाते हैं। इसी तरह कंपेयरिंग टू सेट ऑफ सैंपल्स, ये डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट,
वैल्यू मीन्स डिफरेंट, रैंक्स मीन्स डिफरेंस वगैरह, और डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेवल हम इसमें हमारे पास करंटली 3 अवेलेबल है, लेकिन इसमें हम कस्टमाइज़ भी इसको कर सकते हैं फर्दर। टू टेल टेस्ट फॉर एग्जांपल हम रन करते हैं, तो इसका प्रोसीजर ये होगा कि हम यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास टोटल 6 सैंपल्स हैं, इसमें हम सैंपल्स को ग्रुप करेंगे 2 ग्रुप्स में। तो हमारे जो इसको हम रैंडम भी ग्रुप कर सकते हैं, कि कोई भी 2 सैंपल को हम रैंडम वाइल्ड और इसमें कर सकते हैं, लेकिन हम पहले जो हमारे पास पहले 2 हैं इसको हम वाइल्ड टाइप में चूज़ करते हैं। तो पहले क्या करना है, सैंपल्स पे क्लिक करना है, फिर जिस ग्रुप में उसको इंक्लूड करना है उसी ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। और जिस साइड पे, जिस ग्रुप में, ग्रुप ए और बी जो भी नेम देना है उसको साइड पे क्लिक करना है एरो पे। तो क्लिक किया तो ये 2 जो है वो आ गए हैं ग्रुप ए में वाइल्ड टाइप। अब बाकी जो 4 हैं इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ग्रुप बी में और नॉकआउट्स, तो इस साइड पर हम एरो को क्लिक कर लेंगे। ओके प्रेस करेंगे तो इधर आएगा ग्रुप ए में हमारे पास ये सैंपल्स हैं, ग्रुप बी में हमारे पास ये सैंपल्स हैं। हम कोई भी सैंपल को स्वैप कर सकते हैं, कि इस सैंपल को हम इस ग्रुप में ला सकते हैं, उसको उस ग्रुप में उसी तरह सिलेक्शन करेंगे प्रॉपर। उसके बाद हम क्यूरी जनरेट कर लेंगे ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी की। तो हमारे पास जितने भी जीन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी जीन्स जो हैं वो इस स्टडीज़ में क्लोज एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन प्रोफाइल जो है वो इन 2 ग्रुप्स में डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। जितने भी हैं उनका एक्सप्रेशन ग्राफ भी आ गया है और उसकी प्रोफाइल नाइबर्स, क्रोमोसोम नाइबर्स, होमोलोजीन। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी क्लोजली रिलेटेड जीन को एक्सप्रेशन प्रोफाइल को कंपेयर भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, उसका डाउनलोड डेटा डाउनलोड करके हम डिफरेंट जो BRBRA वगैरह, DSeq इस तरह के टूल्स हैं उसके थ्रू हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसके डिफरेंट ग्राफ्स भी बना सकते हैं, हायरार्कियल के मीन्स जो मशीन लर्निंग वगैरह के लिए अगर हमारे पास हमें डेटा चाहिए हो तो उसके लिए हम इसको डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। क्रोमोसोम लोकेशन ग्राफ्स हम जनरेट कर सकते हैं इसके, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन एंड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन ये हमें शो करता है कि हमारा जो सैंपल डेटा है, जितने भी सैंपल्स हैं इन शॉर्ट जो हमारा सीरीज़ है, इसके वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, मतलब ये भी एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर को शो करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दी प्रेजेंटेशन। अगर आपको इसमें एक और बात है कि ये डाउनलोड्स, ये डेटा सेट्स जो हैं ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं, इसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं। हर फाइल फॉर्मेट जो है उसकी स्पेसिफिक मिनिमलाइजेशन की है। इसमें है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, एक्सप्रेशन वैल्यूज़ वगैरह हैं इसी में, और उन्होंने जो है एडिशनल जो है वो डेटा अवेलेबल किया है एक्सप्रेशन वैल्यू का। ये सीरीज़ का जो है सॉफ्ट फाइल है, ये सॉफ्ट फाइल जो है, ये सॉफ्ट जो है ये इसका फॉर्मेट है। डेटा सेट ब्राउजर्स जो डेटाबेस है, जियो डेटाबेस जो है इसका फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट है ये, लेकिन ये डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है उसके लिए बिल्ट इन इसमें स्ट्रक्चर डेटा होता है, ठीक है। ये सीरीज़ को थोड़ा मिनिमलाइज करके सीरीज़ डेटा है, ये अनोटेशन है। तो इसको हम डाउनलोड करके डिफरेंट टूल्स के थ्रू हम इसको रन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दी जीन एक्सप्रेशन यूनिवर्स डेटा सेट। थैंक यू।